श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, अगर खुद का मकान बनाना चाहते हैं तो एक उपाय जरूर कर लें, एक महीने के अंदर खुद का मकान भी होगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया खुद का मकान बनाने का बहुत ही चमत्कारिक और काफ़ी रामबाण उपाय आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों उपाय को जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप भोले बाबा को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे महादेव जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरा कर दें। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार बताया गया कि खुद का मकान बनाने का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, जो बहुत ही असरदार और काफ़ी चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को करने के बाद कई लोगों के खुद के मकान बन गए और वो मालामाल भी हो चुके हैं। दोस्तों ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक है। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी आसान उपाय है और महादेव से जुड़ा हुआ उपाय है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको 5 पीपल के साबुत और हरे सुंदर से पत्ते तोड़कर लाने हैं, जो कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। उन पत्तों को लाकर आपको अपने घर पर शुद्ध जल से धो लेना है। अब उन सभी पत्तों को आपको पोंछ लेना है, ठीक है, किसी सूखे कपड़े से। पोंछने के बाद आपको चंदन से सभी पत्तों के ऊपर ओम बना देना है। ओम बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर लेना दोस्तों एक लोटा तांबे का या पीतल का या स्टील का, जो भी हो वो आप एक लोटा ले लें, लेकिन उस लोटे में जो आप जल लेंगे वो आपको अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब उस जल में आपको एक साबुत चावल का दाना डाल देना है, ठीक है। अब आपको एक आटे का गोल वाला दीपक बना लेना है, उस दीपक में आपको 4 लंबी वाली बाती रखनी है, ठीक है, और आप उसमें तिल के तेल का इस्तेमाल करें। अब इन सारी सामग्री को लेकर अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। शिव मंदिर में जाकर दोस्तों सबसे पहले जो आपने एक लोटा जल लिया था, उस जल को आप उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं और दोस्तों बटकेश्वर महादेव का ध्यान कर उनका नाम लेकर आप शिवलिंग के ऊपर जल को अर्पित कर दें और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हैं। अब देखिए, जो लोग श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं या उन्हें बोलना नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए पूज्य गुरु जी ने बताया कि वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, आपने जो 5 पीपल के पत्ते लिए हैं, उसमें से एक पीपल का पत्ता सबसे पहला आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, अपने घर की कामना को कहते हुए। अपने खुद के मकान के लिए आपको माता अशोक सुंदरी से बोलना है। अब बाकी के आपको 4 पीपल के पत्ते एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने हैं। जब आप अर्पित करेंगे दोस्तों, तब आपको ओम वाला जो लिखा हुआ भाग है, जिस तरफ आपने ओम लिखा था, वो आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है, ठीक है, मतलब कि नीचे की तरफ। अब देखिए, पीपल के पत्ते अर्पित करने के बाद आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करके आप 2 मिनट के लिए मंदिर में ही बैठ जाएं। अब दोस्तों महादेव का ध्यान करें और अपने मन में श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। इतना हो जाने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से पीपल के पत्ते को उठाकर अपने साथ घर ले आना है। घर लाकर उस पीपल के पत्ते को अपने घर की तिजोरी में रख देना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी, आपके हर कार्य में आपको तरक्की मिलने लगेगी और आपका खुद का मकान बनाने का सपना बहुत जल्दी महादेव पूरा कर देंगे। तो अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि भैया इस उपाय को करना किस दिन है, तो देखिए इस उपाय को आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं, अष्टमी को कर सकते हैं, या सोमवार के दिन कर सकते हैं, या फिर मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, या अमावस्या के दिन, ठीक है, 5 दिन है, 5ों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरु जी के अनुसार बताया गया उपाय अच्छा लगा हो तो इसे फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिखते हैं, जिससे कि महादेव आपकी हर मनोकामना को जल्दी से जल्दी दोस्तों पूरा करते हैं।